राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला संक्षिप्त बुद्ध चरित। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि राजकुमार सिद्धार्थ जब ज्ञान की खोज के लिए कपिल वस्तु छोड़कर वन में चले गए तो सब ओर दुख की लहर दौड़ गई। अंतःपुर में चारों तरफ हाहाकार मच गया। महाराज शुद्धोदन ने कुछ विद्वानों का चुनाव किया और उन्हें सिद्धार्थ को वापस लाने के लिए वन में भेज दिया। अब सुनिए इससे आगे की कहानी। इस भाग का शीर्षक है कुमार की खोज। राजा शुद्धोदन की आज्ञा पाकर राजपुरोहित और राजमंत्री दोनों शीघ्र उस वन की ओर चलने लगे जहां छंदक और कंथक राजकुमार सिद्धार्थ को छोड़ आए थे। कुछ समय बाद वे भार्गव आश्रम के पास पहुंचे। उन्होंने अपना राजसी वेश त्याग दिया और सामान्य नागरिक के रूप में आश्रम में प्रवेश किया। अंदर जाकर उन्होंने आचार्य की अभ्यर्थना की और अपने आने का प्रयोजन बताया। राजपुरोहित और राजमंत्री की बातें सुनकर आचार्य भार्गव ने कहा, राजकुमार यहाँ आए थे, वे युवक अवश्य हैं, परंतु अबोध नहीं हैं। वे यहाँ कुछ समय रहे थे, परंतु बाद में मोक्ष की खोज में अराड मुनि के आश्रम चले गए हैं। आचार्य की बातें सुनकर राजपुरोहित और मंत्री ने उनसे आज्ञा ली और वे पुनः राजकुमार की खोज में आगे निकल गए। रास्ते में उन्होंने एक वृक्ष के नीचे कुमार को बैठे देखा। लगता था कि कुमार ने कई दिनों से स्नान नहीं किया है, फिर भी उनका शरीर वैसे ही चमक रहा था जैसे कि बादलों के बीच सूर्य चमक रहा हो। कुमार को देखते ही वे दोनों रथ से उतरे और जैसे वनवासी राम को मनाने वामदेव और वशिष्ठ चित्रकूट गए थे, वैसे ही दोनों कुमार को मनाने वहां गए। पुरोहित और मंत्री ने कुमार की और कुमार ने पुरोहित और मंत्री की अभ्यर्थना की। दोनों कुमार की आज्ञा प्राप्त करके उनके पास बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठे कुमार को पुरोहित ने समझाया, हे कुमार, आपके वियोग से दुखी राजा ने जो कहा है उसे पहले आप सुनिए। धर्म के प्रति आपकी आस्था और आपके भविष्य को मैं जानता हूं, परंतु आपने असमय ही वन का आश्रय लिया है, उसके कारण मैं शोक की आग में जल रहा हूं। इसलिए मेरे प्राणों की रक्षा के लिए आपको घर लौट आना चाहिए। जैसे वायु मेघ को उड़ा देता है, सूर्य जल को सुखा देता है और अग्नि घास को जला देती है, वैसे ही शोक मुझे जला रहा है। अतः आप घर लौट चलिए और राज सुख भोगिए। समय आने पर वन जा सकते हैं, अभी तो लौट चलिए। मुझ मरणासन्न की उपेक्षा आपको नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि जीवों पर दया ही सभी धर्मों का मूल है। पुरोहित ने आगे कहा, देखिए कुमार, धर्म के लिए वन जाना अनिवार्य नहीं है। सभी प्रकार के सुख भोगते हुए भी अनेक गृहस्थ राजाओं ने मोक्ष प्राप्त किया है। ध्रुव के अनुज बलि और वज्रबाहु, विदेहराज जनक और राम ऐसे ही राजा थे। इसलिए आप भी इन्हीं की तरह ज्ञान और राजलक्ष्मी दोनों का सुख एक साथ भोगिए। मेरी तो यही इच्छा है कि मैं आपका राज्याभिषेक करूं और स्वयं सहर्ष वन को चला जाऊं। हे कुमार, राजा के अश्रुसिक्त वचनों को सुनकर आपको राजा के स्नेह को मान देना चाहिए। जैसे भृगु पुत्र परशुराम ने, दशरथ पुत्र राम ने तथा गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने अपने पिता की आज्ञा मानी थी, वैसे ही आपको भी अपने पिता की आज्ञा माननी चाहिए। हे कुमार, आपका पोषण करने वाली माता अभी जीवित हैं, पर वे उसी तरह निरंतर क्रंदन करती रहती हैं जैसे अपने बछड़े के न रहने पर गाय रोती रहती है। हंस से वियुक्त हंसिनी की तरह व्याकुल अपनी पत्नी को आप सनात कीजिए। अपने अबोध पुत्र को अपना प्यार दीजिए। नगर तथा अंतःपुर के सभी लोग शोकाकुल हैं। अपने दर्शन से उनका शोक दूर कीजिए कुमार। राज पुरोहित के इन वचनों को सुनकर कुमार सिद्धार्थ ने सविनय उत्तर दिया, हे तात, मैं पुत्र के प्रति पिता के प्रेम को जानता हूं और यह भी जानता हूं कि राजा का मेरे प्रति विशेष प्रेम है। यह जानते हुए भी जरा, व्याधि और मृत्यु से डरकर ही मैंने लाचारी में स्वजनों को छोड़ा है। संयोग के बाद वियोग अवश्यंभावी है, इसीलिए मैं स्नेही पिता को अभी छोड़ रहा हूं। अन्यथा अपने प्रिय स्वजनों को कौन नहीं देखना चाहेगा। मेरे कारण राजा को शोक हुआ है, यह मुझे अच्छा नहीं लगा, परंतु मिलन स्वप्न के समान होता है और वियोग के दिन शाश्वत हैं। इसमें संताप का कोई कारण नहीं है, संताप तो अज्ञान के कारण ही होता है। कुमार ने आगे कहा, मनुष्य पूर्व जन्म के स्वजनों को छोड़कर यहाँ आता है और फिर यहाँ स्वजनों को छोड़कर चला जाता है। जब गर्भ से लेकर सभी अवस्थाओं तक मृत्यु सामने खड़ी है, तो मोक्ष के लिए किसी काल विशेष की क्या प्रतीक्षा। राजा मेरे लिए राज्य छोड़ना चाहते हैं, यह उनकी उदारता है, किंतु मेरे लिए यह अपथ्य के समान अग्राह्य है।
धर्म की खोज में मैं वन में आया हूं। मेरे लिए अब अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर घर लौटना उचित नहीं होगा। मैं अब घर और बंधुओं के बंधन में नहीं पड़ना चाहता। राजकुमार की बातों को सुनकर राजमंत्री ने भी उन्हें समझाया। उन्होंने कहा, हे कुमार, धर्म में आपकी निष्ठा अनुचित नहीं है, परंतु वृद्ध पिता को दुख देकर धर्म का पालन भी उपयुक्त नहीं है। आप प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर अदृश्य लक्ष्य के लिए वन में चले आए हैं, उसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। कुछ लोग पुनर्जन्म को ही नहीं मानते। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष प्राप्त लक्ष्मी का उपभोग करना ही उचित है। शास्त्रों का विधान है कि संतान उत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण, वेदों के अध्ययन द्वारा ऋषि ऋण और यज्ञों के द्वारा देव ऋण से मुक्त होना ही मोक्ष है। इसलिए हे सौम्य, यदि आपकी रुचि मोक्ष में है तो शास्त्रानुसार आचरण कीजिए। इससे आपको मोक्ष भी मिलेगा और पिता का शोक भी नष्ट हो जाएगा। आपको तपोवन से घर लौटने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले भी अपनी प्रजा के अनुरोध पर राजा अम्बरीश वन से घर लौट आए थे। इसी प्रकार राम और शाल्व देश के राजा द्रुम भी वन से घर लौट आए थे। अतः धर्म के लिए वन से घर लौटने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। राजमंत्री के तर्कों को सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं इस विषय में दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करता। तपस्या और शांति से जो तत्व ज्ञान मुझे होगा, मैं उसे ही स्वीकार करूंगा। यदि सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़े, हिमालय चलायमान हो जाए, तो भी मैं बिना तत्व ज्ञान प्राप्त किए घर नहीं लौट सकता। मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर सकता हूं, पर असफल होकर घर में प्रवेश नहीं कर सकता। इस प्रकार अपनी बातें स्पष्ट रूप से कहकर राजकुमार वहां से उठकर चले गए। राजपुरोहित और राजमंत्री राजकुमार के दृढ़ निश्चय को सुनकर बहुत दुखी हुए। कुछ समय तक वे कुमार के पीछे पीछे चले, फिर निराश होकर नगर की ओर लौटने लगे। उन्होंने राजकुमार की गतिविधि के बारे में सूचना देने के लिए कुछ गुप्तचरों को नियुक्त किया। राजा से अब क्या कहेंगे, कैसे उन्हें समझाएंगे? यही सोचते सोचते कपिल वस्तु की ओर चलने लगे। संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। मूल कथा महाकवि अश्वघोष, आलेख प्रोफेसर माणिक गोविंद चतुर्वेदी, सहयोग प्रोफेसर अनिरुद्ध रॉय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार मंजू मैनी, विजय सिन्हा, बाबला कोचर और जितेंद्र राम प्रकाश, तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार,
तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े, ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।